हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारकोड और क्यूआर कोड के बारे में। तो सब जानते ही हैं कि बारकोड और क्यूआर कोड क्या होता है, लेकिन दोस्तों ये हर कोई नहीं जानता है कि बारकोड किस लिए यूज़ होता है, क्यूआर किस लिए यूज़ होता है, और इनको जो स्कैन करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से स्कैन करता है इन ये जो कोड है इसको, मतलब जो भी सिस्टम इनको प्रोसेस करता है, कौन सी एल्गोरिथम, कौन सी मैकेनिज्म लगती है किसी कोड को स्कैन करने के लिए, जो स्कैनर वो किस तरह से काम करता है, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल कंप्लीट से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोड जो है वो हमने दो टाइप के बनाए हैं, एक बार कोड और एक बनाया हमने क्यूआर कोड। अब सबसे शुरुआत करते हैं बार कोड से, क्योंकि बार कोड बहुत पहले चलता है। दोस्तों, बार कोड जो होता है वो दरअसल में यूज़ होता है जैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी। अब मेनली जो इसका वर्क है वो होता है उसकी रेट लिस्ट को शो करना, मतलब हर अगर रेट नहीं है वो, जब क्या होता है मान लो कोई शॉपिंग मॉल है या बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारा सामान क्वांटिटी में सेल होता है, लेकिन तब वहाँ पर अगर एक आदमी मैनुअली उस चीज़ का रेट काउंट करने लगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो जाएगी या फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी चीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया, एक बार कोड बनाया गया है और इस कोड की हेल्प से हम सिंपली एक स्कैनर की हेल्प से इसको स्कैन करते हैं और वो ऑटोमेटिक हमारी जो कंप्यूटर होता है उसमें प्रोडक्ट का रेट ऐड होता जाता है और लास्ट में कैलकुलेट हो जाता है, जिससे हमारा टाइम की बचत होती है। काम किस तरह से करता है, चलिए इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, बार कोड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक हिस्सा इसका ये है, दूसरा ये है, और इसके साइडों में एक लाइन ये होती है, दूसरी ये, और एक सेंटर में लाइन होती है। ये लाइन इसलिए होती है, यही बताती हैं जो हमारे स्कैनर हैं कि बारकोड को स्कैन किधर से करना है। अब देखिए, जैसे ये लाइंस हैं तो ये जो लाइन है ये डिनोट करती हैं जीरो और वन को, मतलब हमने क्या करा, एक मैकेनिज्म लगाकर इसको बना दिया है कि अगर जीरो वाली लाइन है तो वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, अगर जीरो की लाइन है तो वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, आठ नंबर की इससे, छः की इस तरह से, चार दो इस तरह से, हमने जो है पहले से ही प्रोग्राम कर दिया है स्कैनर के अंदर कि अगर उसे इस टाइप की लाइन शो होती है तो वो दो नंबर जो डिजिट फॉर्म में है उसे कन्वर्ट करेगा। अब क्या होता है, हमने इस टाइप से एक बार कोड, मतलब इसको कोडिंग बना ली है। अब इससे क्या होता है कि जैसे ये नीचे नंबर दिखते हैं, ये नंबर होते हैं मैन्युफैक्चर की आईडी, इससे पहले जो नंबर होता है 89 की वो कौन सी कंट्री का है, अलग अलग कंट्री को अलॉट किए जाते हैं ये, और मतलब इसमें डिटेल छिपी होती है इस बार कोड के ओनर की, कौन सी कंट्री में बार कोड यूज़ हो रहा है और किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे हमारा एक जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी हम उसको सिंपली कहीं समय सर्च करना होता है, हम जीएसटी नंबर डालते हैं और पूरी डिटेल खुल के आ जाती है कि कौन सी कंपनी है, कौन इसका प्रोप्राइटर है, इस टाइप से। उसी तरह से बार कोड में भी ये नंबर होता है नीचे का, ये केवल डिटेल चेक करने के लिए होता है, लेकिन जो अंदर जो हमने डेटा स्टोर किया है उसके लिए ये नंबर हमारा यूज़ होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें अलग अलग टाइप के मतलब किया, और सबसे बड़ी बात इसमें हम सिर्फ डिजिटल नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, मतलब जीरो से लेके नाइन तक के नंबर ही हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे ए बी सी डी, इस टाइप से कुछ भी हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अब बात आती है, चलिए ये तो हम समझ गए कि हमने इसमें किस चीज़ का रेट है, मान लो कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट है उसका रेट है 250 रुपये, तो हमने 250 इसमें जो है डिजिटली फॉर्म में हमने इसमें सेव कर दिया कि हाँ जब कंप्यूटर इसको स्कैन करे तो 250 उसमें कंप्यूटर के अंदर शो हो। अब बात आती है कि जो स्कैनर है वो इसको स्कैन करता कैसे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसमें दो तरह की पट्टियाँ यूज़ होती है, एक तो होती है ब्लैक और एक होती है वाइट। हमें पता है जो हमारा ब्लैक कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अगर आप एक ब्लैक कोई बर्तन धूप में रखो, एक वाइट रखो, तब ब्लैक बर्तन जो मतलब जो भी ब्लैक आपका चीज़ है वो ज़्यादा हीट होगी और जो वाइट है वो हीट नहीं होगी, वो कम हीट होगी। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लैक होता है वो जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी पूरी हीट को एब्जॉर्ब करके खुद हीट हो जाएगा, लेकिन जो वाइट होता है वो उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो कम हीट होगा। अब मेन चीज़ आती है कि ये स्कैन कैसे करता है। तो देखिए, जब हमारी जो रेड कलर की लाइट होती है वो इस बार कोड पर आती है, तब क्या होता है जहाँ जहाँ ब्लैक पट्टियाँ होती है वहाँ से वो लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाती, मतलब सॉरी ट्रांसमिट नहीं, वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, लेकिन जहाँ वाइट है, जहाँ वाइट स्पेस है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए, हमारी जो लाइट है वो कुछ इस तरह से पूरी आई, एक तरह से आई, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ से हुई, जहाँ वाइट पट्टियाँ है वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है। अब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से हुई है कि जहाँ चौड़ी पट्टी है वहाँ जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पर जो पतली पट्टी है वाइट की हो या ब्लैक की, वहाँ से विड्थ इसकी कम रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो है यही हमारा आगे का प्रोसेस करता है, तो ये एक तरह सिग्नल चला गया हमारे प्रोसेसर को, जो स्कैनर है उसने इस लाइट बीम को कैप्चर किया है और ये सिग्नल चला गया है उसके अंदर कि हाँ इस टाइप की आई है। अब क्या होगा, जहाँ ब्लैक स्पॉट है तो उसको हम मानते हैं जीरो, और जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है करंट लाइट
उसको हम मानते हैं वन। तो इस तरह से हमें जीरो और वन की फॉर्म मिल जाती है। अब ये हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो जीरो और वन ही लैंग्वेज जानता है और कुछ नहीं जानता। हमें कुछ भी स्कैन करना है तो हमें उसे जीरो और वन ही देना पड़ेगा, जीरो और वन में प्रोसेस करेगा, लेकिन हमें डिस्प्ले पर हमारी लैंग्वेज में वो दिखा देगा। अब हमने क्या करा, इस तरह से जीरो और वन की फॉर्मेट में इसको बनाकर सिस्टम को दे दिया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना दिया। ये देखिए इस तरह से, कोई यहाँ डिजिटल कोड में है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे इस तरह से। अब देखिए जहाँ जहाँ इस तरह से कोई सिग्नल बन चुका है। अब सिग्नल बनने के बाद हमें कंप्यूटर में जीरो और वन का जो है एक वो वन जीरो और वन का हमें फॉर्मेट मिल गया। अब कंप्यूटर क्या करा, उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकता है और फिर हम जो है उसको डाटा को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था बार कोड का प्रोसेस। अब इसके बाद आया है QR कोड। अब QR कोड किस लिए आया, क्योंकि QR कोड जो है जो 350 गुना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। क्योंकि इसमें कमियाँ ये थी, ये सिर्फ डिजिटल नंबर ही स्टोर कर पाता था 0 से लेकर 9 तक के, उसके सिवा कोई अल्फा कोई भी डिटेल पर्सनल डिटेल हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते थे। तो अब बात आती है QR कोड की। दोस्तों QR कोड कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर मैं इसकी जो शुरुआत इसकी बात करूँ तो मैं बता दूँ QR कोड 1994 मतलब 1994 में पहली बार यूज़ किया गया था, जिसको जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया था अपने जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी के पार्ट्स होते हैं उनकी डिटेल वगैरह रखने के लिए, उनका पूरा ब्यूरो संभालने के लिए। और दोस्तों इसमें बार कोड की तुलना में 7800 न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो सकती है, और अगर बाइनरी की बात करें तो 2953 इसमें बाइनरी नंबर जो है वो स्टोर हो सकते हैं। और अगर अल्फा न्यूमेरिक की बात करें मतलब अल्फा भी ए बी सी डी भी इस टाइप की हम बात करें तो इसमें 4296 अल्फा जो नंबर है वो भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा QR कोड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो QR कोड है वो दिखने में तो इस तरह से, ये हम सभी जानते हैं पेटीएम में यूज़ होता है, और लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक तो ये QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। अब देखिए इसमें इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको जो बनाया गया है वो किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए ये जो इसके कोनों पर ये तीन आपको ये रेक्टेंगुलर देख ले, जो आपको इसके तीनों कोनों पर जो ये रेक्टेंगल साइड दिख रहे हैं एक वर्ग आकार में जो दिख रहे हैं ये होते हैं पोजीशन। मतलब इससे हम जो हमारा स्कैनर है उसको बताते हैं कि QR कोड को तुझे किस तरफ से रीड करना है, उसको पोजीशन देते, क्योंकि टू डायमेंशनल कोड होता है, हम उसको बताते हैं कि तुझे रीड किस साइड से करना है। और फिर इसके बाद आता है फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो हमारा येलो कलर है, ये येलो जो पट्टियाँ दिख रही हैं आपको, ये दिखाती है कि जो QR कोड है वो किस फॉर्मेट में है। मतलब जैसे कि मैंने बताया वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में बनाया गया है या फिर हमारा बाइनरी में है या अल्फा न्यूमेरिक, मतलब किस फॉर्मेट में इसमें डाटा स्टोर किया गया है वो ये बताता है। और ये जो फिर आती है इसके बाद टाइमिंग मार्क, ये टाइमिंग मार्क वाली पट्टी, ये जो लाइन है ये आपको दिख रही है इस कलर में, ये टाइमिंग मार्क की है। मतलब इससे पता चलता है कि डेटा की जो स्टोर है वो उसकी लेंथ कितनी, मतलब डेटा स्टोर किया गया है QR के अंदर वो कितना लेंथ है, मतलब कितना ज़्यादा डेटा है वो इस टाइमिंग मार्क से पता चलता है। टाइमिंग मार्क से पता चलता है क्योंकि देखिए यहाँ ब्लॉक बने हुए हैं, इस ब्लॉक की वैल्यू चेंज होती रहती है डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा ज़्यादा होगा तो वैल्यू कुछ हो रहा है, ये कम होगा तो कुछ हो रहा है, तो इस टाइप से ये टाइमिंग मार्क काम करता है। फिर आता है वर्जन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो वर्जन है वो कौन सा है यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्जन के बारे में, दोस्तों ये जो QR कोड होता है इसके टोटल 40 वर्जन होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 तक के वर्जन काम करते हैं वो यूज़ होते हैं मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, बाकी जो भी वर्जन है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है ये हमारा जो ये वाली ये कलर है ये यहाँ पे दिख रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा QR कोड कौन से वर्जन मतलब किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये सब डाटा मिलने के बाद फिर आता है स्पेसिंग, कि स्पेसिंग बताते हैं कि डेटा के अंदर कितना स्पेस हमने दिया है, मतलब डेटा जो है उसका जो लेंथ है उसके अंदर स्पेसिंग क्या है। अब फिर आता है अलाइजमेंट, क्योंकि अलाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसको तो हम प्रिंट कर देते हैं कहीं भी, लेकिन क्या होता है जब किसी वजह से या किसी भी कारण से अगर ये कहीं से मिसप्रिंट हो जाता है तो प्रिंट छूट जाता है, तब क्या होगा जो इसके अंदर स्कैन नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमने अलग से ऑप्शन बनाया अलाइजमेंट का। मतलब ऐसी कंडीशन क्या करेगा, स्कैनर ऑटोमेटिक इस पॉइंट को ढूंढेगा और इस पॉइंट को ढूंढने के बाद इस पॉइंट को रीड करके वो ऑटोमेटिक ही जो है अपना अलाइंज कर लेगा कि हाँ QR कोड किस तरह से मतलब बना हुआ होगा। मान लो इसका ये यहाँ से प्रिंट कोई ये प्रिंट यहाँ से इसका हट चुका है मिट चुका है, तो तब क्या करेगा जो हमारा स्कैनर है वो इस अलाइनमेंट पर जाएगा और वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ अगर इस तरह का इसमें जो है ब्लॉक बने हुए हैं तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक होना चाहिए था। तो इस तरह से QR कोड बना हुआ होता है। देखिए यहाँ से कुछ ये ब्लॉक हैं, जैसे हमने
इसमें बताया कि हमने क्या करा है, 0, 8 से इस टाइप से, मतलब जो ये इनकी पट्टियां हैं इसको डिफाइन कर लिया है कि हाँ अगर ऐसी पट्टी इसके अंदर को मिलती है तो 0 नंबर देना है इसको, ये ऐसी मिलती है तो 8 नंबर उसको मतलब रीडिंग देनी है। वही सेम प्रिंसिपल QR कोड में है, इस लेकिन इसमें कन्वर्ट करते हैं ब्लॉक में। अगर पूरा ब्लॉक ब्लैक है तब क्या होगा, वो L वैल्यू को शो करेगा, और पूरा एक आधा ब्लैक है और आधा जो है वाइट है वो M को शो करेगा। मतलब इस टाइप से हमने पहले ही प्रोग्राम कर दिया कि अगर ऐसी ही वैल्यू आती है तो इस टाइप से शो करानी है। ऐसे ही अगर हम कुछ और टाइप की वैल्यू लें तो वो अलग अलग टाइप से, मतलब हमने इसमें अलग से फॉर्मेट बना दिए हैं। अब इतना काम तो हम समझे कि हाँ जो QR कोड है वो क्या होता है। तो दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, ये बहुत जल्दी काम करता है, इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है 1 सेकंड के अंदर ये स्कैन होकर पूरी डिटेल मिल जाती है। अब अगर एक तरह से कहना चाहें तो ये कंप्यूटर की भाषा में लिखा गया एक डेटा है। इसमें हम कोई लिंक भी बना सकते हैं, अपनी किसी वेबसाइट का लिंक डाल दो, फ़ोन नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल को जो है सेव कर लो QR कोड में। अब इससे बेनिफिट ये होता है, कि इस डेटा को केवल QR कोड रीडर ही पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते कि हम इस लैंग्वेज को नहीं जानते। ये लैंग्वेज कंप्यूटर जानता है, हम इस लैंग्वेज को नहीं जानते कि ये कौन सी लैंग्वेज है। हमने कंप्यूटर की भाषा में उसको बता दिया कि ये लैंग्वेज डाटा स्टोर है। इससे क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी पर्पज़ भी बन जाएगा कि हाँ कोई भी हमारी पर्सनल डिटेल नहीं चेक कर पाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो QR कोड है कोई भी स्कैन कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई QR कोड सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना जाता है, जैसे बैंक का भी QR कोड हो तब क्या होता है, उसमें एक ऑथेंटिकेशन की भी दी जाती है कि जब कोई इसे स्कैन करेगा तो उस टाइम पर एक की मांगेगा वो, या फिर कोई कोड मांगेगा, कोई पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड तुम उसमें फिल करोगे तब जाकर वो ओपन होगा। तो इसका अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप से यूज़ होता है। और इसका अगर स्कैनर की बात करें तो स्कैनर जो होता है, स्कैनर कौन है, हमारे मोबाइल का कैमरा भी स्कैनर ही है, वो इस तरह से स्कैन करता है। ये जो इसका ये वाला कोना है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करने से पहले जो हमारा स्कैनर है वो इन सब, ये जो सब ये मैंने अभी बताया आपको, इन सब से गुजरता है, मतलब इन सब के बारे में डिटेल इकट्ठी करता है। उसके बाद वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करता है, फिर वो समझता है कि मुझे इसको पढ़ना कहाँ, जैसे यहाँ से इसने पोजिशन सेट करी, यहाँ से टाइमिंग सेट करी, इस टाइप से। अब वो इस कोने से पढ़ना शुरू करता है, इन 4 ब्लॉक से, यहाँ से पढ़ेगा, फिर इसमें 8-8 ब्लॉक का एक ब्लॉक बनाया जाता है। उस 8 ब्लॉक में किस टाइप का मतलब ब्लॉक है, कितना ब्लैक है, कितना वाइट है, उस टाइप से वो स्कैन करके इस टाइप से पट्टी इसमें चलती है और ये डाटा को स्कैन कर लेता है कि वो किसी भी फॉर्म में हो। अब ये चीज़ तो हम समझे कि हाँ इस तरह से स्कैन हो जाता है, अब ये तो हमें नॉर्मल पता चला है, लेकिन अब ये तो हमें पता चल गया कि इसमें इस तरह से स्कैन होता है, और ये एक तरह से नॉर्मल ही पता चला है कि इस तरह से स्कैन होता है। अब मेन चीज़ ये आती है कि जो स्कैनर है वो इसको स्कैन कर कैसे पाता है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो स्कैनर हमारा पहले समझता है कि ये वो ये किस फॉर्मेट का है या क्या टाइमिंग है, लेकिन स्कैनर को कौन बताएगा, उसे कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में बात करते हैं, हम एक छोटी सी बात लेते हैं अपने मोबाइल कैमरे के बारे में। तो देखिए जो हमारे कैमरे का मोबाइल का कैमरा होता है वो क्या करता है, आपने देखो आप जब भी पिक्चर लेते हो तो वो ऑटोमेटिक ही फेस डिटेक्ट कर लेता है, मतलब उसके अंदर ये फीचर्स है। और ये फीचर क्यों है, ये फीचर बनाया गया है कि जो कैमरा है हमारा वो आपकी फेस और आईज और आपके नाक और आपके जो स्किन है उसको डिटेक्ट करके उस पर पॉइंट बना लेता है कुछ ऑटोमेटिक ही। जैसे जो लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं उन्होंने देखा होगा कुछ में टूल्स होते हैं, लाते हैं इमेज के ऊपर ऑटोमेटिक ही पॉइंट बन जाते हैं, इस टाइप से पॉइंट बनाकर और एक स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज समझने के लिए वो स्ट्रक्चर बना लेता है और फिर ऐसे ही हमें वो दिखता है। तो वही सेम पर्पज़ यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे ही जब वो जैसे ही हमारे स्कैनर ऑन होता है तो वो अलग अलग पॉइंट बनाकर पूरा ग्राफ बनाकर एक उसको स्कैन कर लेता है कि हाँ क्या है, अपनी लैंग्वेज में उसको पकड़ लेता है। अब ऐसा करने के बाद हमें पता है कोई भी इमेज हो या कोई भी डेटा हो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेव कर रहे हैं तो 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होना है, मतलब कंप्यूटर तक हमें 0 और 1 का डेटा पहुंचाना है। आगे कंप्यूटर का काम है, उसको प्रोसेस करेगा, उसे पढ़ेगा क्या है कैसे है। तो हमने क्या करा है, हम नॉर्मल भी कोई इमेज अगर लेते हैं तो उसको भी 0 और 1 की फॉर्म में, जो कंप्यूटर हमारा या फिर हमारा कैमरा है मोबाइल का एक छोटा प्रोसेसर है, वो भी 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होता है, जब भी हम स्कैन करते हैं कोई भी डेटा को, या चलो मान लो हमने ये इमेज ही कोई कैप्चर किया था, क्योंकि इसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले पर शो हो जाए कि ये इमेज इस टाइप से है, मतलब जो इमेज लेगा उसी को उसी रूप में हमारी लैंग्वेज में दिखा देगा। अब ऐसे ही ये होता है, जब हम कोई भी कोड स्कैन करते हैं तो इसके अंदर जो भी डेटा है तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेगा, उस पूरे डेटा को अलाइंस करेगा कि किस तरह से पढ़ना है, फिर उसकी पिक्चर को लेकर कि हाँ उसे किस तरह से मतलब जो है उस डेटा को कैलकुलेट करना है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करेगा, फिर उसे हमारी लैंग्वेज में शो कराएगा,
मतलब हम तो नहीं जानते ना ये 011 की फॉर्म में क्या कैसा है, कंप्यूटर जानता है तो वो उसको लेकर और उसको हमें डिस्प्ले पर स्कैन कराएगा उस 011 की फॉर्म को कि हाँ इसके अंदर ये डाटा है। और दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, देखिए जो हमारा ये होता है QR कोड होता है उसके अंदर हम कोई अपना वेबसाइट भी दे सकते हैं, नाम कोई भी डिटेल, लेकिन जो बार कोड होता है उसके अंदर सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हम मतलब किस तरह से इसमें क्या क्या डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक विंडो ओपन कर ली है सिंपली गूगल पर जाकर। आप गूगल में सर्च करिए QR कोड जनरेटर, तो बहुत सारी कंपनियाँ जो QR कोड जनरेटर को जनरेटर प्रोवाइड कराती हैं फ्री में। तो देखिए यहाँ पर अब मान ली यहाँ पर है फ्री टेक्स्ट, क्या हमें कोई अपना टेक्स्ट का अगर हमें QR कोड बनाना है कि हाँ कोई उसको स्कैन करे तो वो उस कोड को पढ़ पाए, तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं अपना नाम डालता हूँ SUMIT, तब क्या होगा अगर कोई इस कोड को स्कैन करेगा? आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से इसको स्टोर करोगे तो आपको जो है आपकी लैंग्वेज में SUMIT ही लिखा हुआ दिखेगा। और अगर मुझे कोई लिंक बनाना है, मान लो मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक बनाना है SMTECH.NET.IN, तो अब अगर आप इसको स्कैन करेंगे अपने किसी मतलब डिवाइस से तब क्या होगा आपको, आपको ये जो डेटा है, अब मैंने ये लिंक बना दिया है, अब आपका अगर किसी भी डिवाइसेस को स्कैन करोगे तब क्या होगा आप स्कैन करते हैं सीधे इस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाओगे कि इस लिंक के थ्रू आप पहुंच जाओगे। ऐसे भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालनी, मान लीजिए अपना नाम, फर्स्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल या फ़ोन नंबर, कुछ भी डिटेल अगर आपको डालनी है और मान लो फ़ोन नंबर ही ऐड करना है आपको एक QR कोड की फॉर्म में, मान लो आपकी कोई शॉप है आप वहाँ पर चाहते हो कि आपको बार बार फ़ोन नंबर ना लिखना पड़े कि हाँ कोई व्यक्ति जाए उसको फ़ोन नंबर टाइप करे फिर आपको कॉल देगा, जिससे एक फ़ोन नंबर का QR कोड बनाकर आप वहाँ पर लगा दो और कोई कस्टमर आएगा QR कोड स्कैन करेगा ऑटोमेटिक ही उसके सामने नंबर आ जाएगा। और ऐसे ही SMS बना सकते हो, जैसे मैंने भाई URL, अगर आपकी कोई कंपनी है आपकी और आप वहाँ जाकर बार बार वेबसाइट लिखोगे तो पहले उसको वेबसाइट को टाइप करेगा कोई भी कस्टमर या कोई भी वो टाइप करेगा फिर पेज पर जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो अगर QR कोड रहेगा तो उसके क्या करें 10-20-50 QR कोड बना के अलग अलग लगा दो, तब क्या होगा कोई भी कस्टमर आएगा वो इसको सिंपल स्कैन करेगा और वहाँ से सीधा आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाए। तो दोस्तों इस तरह से ये QR कोड काम पड़ता है और इससे जो टाइम है ये बार कोड की तुलना में 350 टाइम मतलब 350 गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास में लगी नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।